नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेप्लिकेशन, और एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस किया गया है मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन का ये सारा पॉइंट्स है यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, और ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी है। ठीक है, और बेटर ये होगा हमेशा की तरह कि आप मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे आप रेप्लिकेशन का टॉपिक को देखिए। ठीक है, और देखने के बाद से आज का वीडियो लेक्चर आप देखो। ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर पूछ रहा है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके ऑप्शन में जो है दिया हुआ है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प डिमॉन्स्ट्रेट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्योंकि मे बी सेम टाइप का क्वेश्चन अलग स्टेटमेंट में आपको आगे मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, डिटेल जो है डिस्क्राइब करना है मिसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, मिसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को यहाँ डिटेल डिस्क्राइब करना है, तो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे ये आपका जो शो कर रहा हूँ मैं, ये आपका है मिसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में डीएनए जो लिया गया है, ठीक है, ये डीएनए N15 लेवल्ड है। ठीक है, N15 लेवल्ड है, और ये N15 क्या हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आप अच्छे से देखो यहाँ पे N15 क्या हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जो है ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड में है। ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए में 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड में क्या है, N15 और N15 है। ठीक है, और ये जो डीएनए है ये सेल के अंदर है, यहाँ पे सेपरेटली शो किया गया है डीएनए को, बट आप इसको कंसीडर करो कि ये कहाँ पे है, ये सेल के अंदर है। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जांपल लिया गया है वो इसरिचिया कोलाई लिया गया, आप देखो यहाँ पे ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई में मैथ्यू मिसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूफ किया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि मिसलसन स्टॉल ने जो है इसरिचिया कोलाई जो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूफ किया है। ठीक है, और जिसके लिए N15 जो है हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया गया है, बट ये जो N15 है ये NH4Cl के फॉर्म में लिया गया है, NH4Cl के फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, देन इसके बाद से आपको करना क्या है, आपको ये समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है N15 और N15 कैसे आ गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप जो भी स्टार्टिंग में ई कोलाई सेल लेंगे, ठीक है, जो भी आप स्टार्टिंग में ई कोलाई सेल लेंगे, ई कोलाई सेल में इनिशियली जो डीएनए होगा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे उसमें नॉर्मली N14 वाले नाइट्रोजन होते हैं, N14 वाले। जब आप इस ई कोलाई को, इस ई कोलाई सेल को आप कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं आप, ठीक है, तो कल्चर मीडिया में क्या होता है कि आप उसको N15 दे देते हैं। N15 ये क्या है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दे देते हैं, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आप दे देते हैं। ठीक है, ये आपका ई कोलाई सेल है, जब आप N15 वाला हैवी आइसोटोप दे देंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो ई कोलाई सेल है ये इस मीडियम को यूज़ करेगा, N15 मीडियम को यूज़ करके, और अपने डीएनए को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को N15 में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, 2-3 जनरेशन के बाद जो है दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, N15 वाले हो जाएंगे, और देन वहाँ से आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, आप देखो यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15 के हैं। आपने क्या किया, 1 जनरेशन के बाद देखा, तो 1 जनरेशन के बाद 1 स्ट्रैंड जो होगा वो N15 का होगा, और अनदर स्ट्रैंड जो होगा वो N
14 का होगा। देखो आप यहाँ पे जो रेड लाइन है, रेड को शो किया गया है N15 से, और जो ग्रीन है वो है N14। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइब्रिड टाइप का आपको स्ट्रैंड दिख रहा है जिसके अंदर N15 भी है और N14 भी है। दूसरा जो DNA का स्ट्रैंड है उसमें भी वही है, एक आपका N15 है और दूसरा N14 है। ठीक है, एक से दो DNA बन गए, बट DNA में ये ध्यान देना है कि DNA का एक स्ट्रैंड जो है N14 का हो गया और दूसरा N15 का हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था इस E. coli सेल को, वो NH4Cl लिया था, और NH4Cl में जो नाइट्रोजन था वो नॉर्मल नाइट्रोजन था N14। अगर आप N14 नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो जो अपकमिंग जो DNA स्ट्रैंड होगा या न्यूली सिंथेसाइज जो DNA स्ट्रैंड होगा वो न्यूट्रिएंट्स मीडियम में अवेलेबल नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग होगा, और न्यूट्रिएंट्स में जो आपने नाइट्रोजन लिया है वो N14 का लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा वो N14 वाला होगा, ये N14 वाला होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है N15 वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, और हमेशा ध्यान दो कि जो नया स्ट्रैंड आएगा वो न्यूट्रिएंट्स मीडियम में अवेलेबल नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग आएगा, और जो ओल्ड स्ट्रैंड होगा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो इनिशियली जो आपने लिया था उसके अकॉर्डिंग होगा, और यही होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है ना, एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, और न्यू हमेशा न्यूट्रिएंट्स के नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग होगा, और यही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है, बट यहाँ पे सेकेंड जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो DNA होंगे वो 1, 2, 4, 3, 4 हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो N14 और N15 का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आप यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन दिख रहे हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है N14 और N14 वाले वनली है, और यहाँ पे भी N14 वाले हैं, बट जब आप ये बीच के दोनों देखेंगे आप तो यहाँ पे N15 और N14 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा N15 N14 होगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके दो जनरेशन के बाद आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इस पे ये ध्यान देना है कि हमेशा जो एक स्ट्रैंड होगा वो ओल्ड होगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो न्यूली सिंथेसाइज होगा, और जो न्यूली सिंथेसाइज होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स मीडियम होगा। न्यूट्रिएंट्स मीडियम में जो भी आप नाइट्रोजन लोगे N14 लोगे तो N14 के अकॉर्डिंग न्यूली सिंथेसाइज होगा, अगर आप N15 लिया तो N15 के अकॉर्डिंग न्यूली सिंथेसाइज होगा। ठीक है, इसके बाद से करते क्या है, हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे हम नाइट्रोजन ले रहे हैं ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। यहाँ पे हम जो नाइट्रोजन ले रहे हैं वो क्या है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, और हैवी का मतलब यहाँ पे डेंसिटी से है, यहाँ पे हैवी का मतलब डेंसिटी मॉलिकुलर वेट से है। ठीक है, और डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट का जो इम्पॉर्टेंस है वो समझ में कब आता है, जब आप सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, जब आप सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। ठीक है, डीएनए का जब सेंट्रीफिकेशन कराते हैं तो आपको समझ में आता है कि हैवी और लाइट का क्या मीनिंग है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जब आप सेंट्रीफिकेशन कराएंगे, ठीक है, तो जो N15 का होगा, N15 का वो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जो N14 का होगा उनका मॉडरेट होगा, ठीक है, डेंसिटी, और N14 का जो होगा वो लोवेस्ट होगा। ठीक है, मतलब हैवी N15 हाइब्रिड वाले जो होंगे N15 N14, ये आपके मॉडरेट डेंसिटी होगी, और मिनिमम जो डेंसिटी होगी वो होगी N14 और N14 का। ठीक है, तो ये डेंसिटी के बिहाव पे क्या हो रहा है, ये डेंसिटी के बिहाव पे सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ कर रहे हैं वो सीजियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसका फंक्शन क्या है, डेंसिटी के बिहाव पे जो है DNA को सेपरेट कर देना। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे देखा कि मिसलसन इंस्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें DNA किस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करना होगा। आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड मिसलसन इंस्टॉल यूज N14 N15 आइसोटोप इन द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन कल्चर मीडियम इन देयर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन। ठीक है,
Why did Michelson install use N14 N15 isotope in the source of nitrogen present in culture medium in their experiment? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आइसोटोप हमने लिया N15 या नॉर्मल जो नाइट्रोजन लिया N14 वाला, ये क्यों लिया? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूफ करना है, तो वहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेट करना होगा दोनों स्ट्रैंड्स को, ठीक है। जब हम दोनों स्ट्रैंड को डिस्क्रिमिनेट करेंगे तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे Michelson installed use N14 normal nitrogen है and N15 isotope in the source of nitrogen present in the culture medium in their experiment as nitrogen is the component of DNA and different isotopes are used to distinguish, मैंने बोला था ना distinguish करने के लिए, between original मतलब कि parental type and replicated DNA by density gradient centrifugation as N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी लाइन है, एक्चुअली में ये लाइन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे N15 को जस्टिफाई कर रहा है कि जो N15 है एक्चुअली में ये रेडियो आइसोटोप नहीं होते हैं, ये हैवी आइसोटोप होते हैं। N15 इज ए हैवी आइसोटोप, इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटी, ठीक है। जब आप अलग अलग नाइट्रोजन यूज़ करेंगे N14 और N15, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो सेपरेट होगी, और डेंसिटी के बिहाव पे जब आप सेपरेशन करना चाहेंगे तो आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप कब इसको अप्लाई करते हैं N15 और N14 को, जब आप सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव करते हैं तब ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया एग्जैक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो क्या है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द Michelson install एक्सपेरिमेंट, ठीक है। Michelson install एक्सपेरिमेंट आप सबको पता है, ठीक है। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी जिस स्टूडेंट को, वो मेरा वीडियो लेक्चर्स जो है कंप्लीट देख सकते हैं, मैंने आपका वीडियो लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी इस टॉपिक का सेपरेटली, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी रिविजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत फास्ट हो सकता है लेक्चर। अभी जो आपका 131 क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा राइट द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एक्सपेरिमेंट बाय देम, ठीक है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, यूज एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका 131 में जब आप आंसर देखोगे तो यहाँ पे होगा आपका नाइट्रोजन इज अ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप नाइट्रोजन N15 लेते हैं, N15 तो ये इस फॉर्म में तो लेते नहीं हैं, आप जब भी लेंगे तो आप किस फॉर्म में लेंगे, NH4Cl के फॉर्म में लेंगे, NH4Cl के फॉर्म में लेंगे। और यही पूछ रहा है कि एक्चुअली में जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या है, NH4Cl है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द साइंटिस्ट सिंथेसाइज द लाइट एंड हैवी DNA molecules इन द ऑर्गेनिज्म used इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो डेंसिटी के बिहाव पे सेपरेट कर सकें, ठीक है, जो भी DNA है, चाहे वो N14 का हो, चाहे वो N14 N15 का हो, या N15 N15 का हो। देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होगी, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी, ठीक है। इन तीनों को डेंसिटी के बिहाव पे, किसके बिहाव पे, डेंसिटी के बिहाव पे आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। और सेपरेशन के लिए आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। फिलहाल एक बार देखते हैं हम यहाँ पे आंसर को। आंसर आप देखो यहाँ पे, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिनल एंड रेप्लिकेटेड DNA डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड एज N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। ये लाइन पहले भी मैंने बताया कि N15 जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होता है, वो हैवी आइसोटोप होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन सी क्वेश्चन देखते हैं, 131 का सी नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द साइंटिस्ट मेक इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द हैवी DNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लाइट DNA
मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन, ठीक है, हाउ डिड द साइंटिस्ट मेक इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन, ठीक है, सेम कहानी होगी, सेम स्टोरी होगी, यहाँ पे जो हैवी होगा लाइट होगा वो उनका जो है अलग अलग क्या होगा डेंसिटी होगा, और अलग अलग डेंसिटी के बिहाव पे आप इजीली जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से आप सेपरेट कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कैसा है डेंसिटी बेस्ड है, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट बेस्ड वो वर्क करता है, तो वहाँ पे आपको जब सेपरेट करना होगा तो आपको N15 और N14 नाइट्रोजन लगाकर और फिर डेंसिटी को आपको डिस्टिंग्विश कराना होगा, और डिस्टिंग्विश करा लेंगे तो इजीली जो है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन वर्क करेगा। फिलहाल फिर से हमेशा की तरह जैसा कि यहाँ पे बुक में मेंशन है वो भी देख लेते हैं एक बार, जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना है, द हैवी डीएनए एंड द लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है, राइट द कंक्लूजन द साइंटिस्ट अराइव्ड एट आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो फाइनली जो है साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो डीएनए है डीएनए का जो रेप्लिकेशन मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, बैक्टीरिया में आपको बताया था कि बैक्टीरिया में इशरीचिया कोलाई आपके एनसीईआरटी में एज एग्जांपल दिया गया है, और इशरीचिया कोलाई में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने प्रूव किया था, मिसलसन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था इन 1958 में, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट आपका देखिए, वाई इज डीएनए रेप्लिकेशन सेट टू बी सेमी कंजर्वेटिव मोड, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव, तो सिंपल इसका है, जब आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आप जब डिफाइन करते हैं तो एक जो स्ट्रैंड होता है आफ्टर रेप्लिकेशन वो ओल्ड होता है, और दूसरा जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है, वो कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, तो ये अभी जस्ट मैंने बताया कि वन स्ट्रैंड इज ओल्ड आफ्टर रेप्लिकेशन एंड अनदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज, ठीक है। हाउ वॉज इट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड बाय होम, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जब आप मिसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब आप डीएनए को सेपरेट करते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, और इनको सेपरेट करना है तो आप क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं सीजियम क्लोराइड का, ठीक है, यूज़ कर दिया तो वो क्या करता है कि जो ज़्यादा डेंसिटी वाले होते हैं उनको बॉटम में कर देता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट टाइप के होते हैं वो उनको बीच में कर देगा, और जो लाइट वेट के होंगे उनको ऊपर कर देगा, ठीक है ना। और ये जब होता है तो वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी जो है सबका सेपरेट है, और डेंसिटी सेपरेट इसलिए है क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है आफ्टर रेप्लिकेशन वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बिहाफ पे होता है, ठीक है। एक बार इसका हम डिटेल देखते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये इनिशियली जो है हमारे पास जो डीएनए है वो N15 और N15 वाला है, ठीक है, इसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्मल नाइट्रोजन, दैट मीन्स कि N14 वाला प्रोवाइड कर रहे हैं। 20 मिनट्स के बाद जब आपको डीएनए मिला तो उसमें एक स्ट्रैंड आपका N15 होगा, ये भी N15 होगा, बट इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा N14, और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आपका N14। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड किया उसमें नाइट्रोजन जो था वो N14 वाला था, तो ये N14 यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में आ गया, ठीक है, तो एक नया होगा आपका और दो पुराने होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा ही होता है तो आप जनरेशन टू, जैसे कि ये फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट है, ऐसे ही आप सेकंड जनरेशन के लिए करेंगे, थर्ड जनरेशन के लिए करेंगे, फोर्थ जनरेशन के लिए करेंगे, तो उस कंडीशन में ये जो N15 और N15 का जो है वो रेशियो जो है वो वेरिएबल आपको मिलेगा, ठीक है, वो
वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव में मोड में जो है एक आपका न्यूली सिंथेसाइज होगा, एक ओल्ड होगा, और ये जनरेशन टू जनरेशन उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे और उस चेंज को सेपरेट कर देंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो सीजियम क्लोराइड का है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखो, स्टेट द एम एंड डिस्क्राइब मिसेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। टू डिस्क्राइब तो मैंने कर ही दिया है, और एम जो है वो क्या है कि एनी हाउ हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिसेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट एंड राइट द कंक्लूजन दे अराइव। तो ये जो क्वेश्चन है ये हो चुका है, इसको मैंने कई बार जो है अभी रिवाइज कर दिया, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है हमको, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, इसमें क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन अबव, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। रीड्रा द स्ट्रक्चर एज अ रेप्लिकेटिंग फॉर्क एंड लेवल द पार्ट्स, ठीक है। मतलब अगर इसको आप रेप्लिकेट कराएंगे तो इसमें ध्यान ये देना होगा कि जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन में जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज 5-3 होगा, ठीक है, और 5 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ये आपका 5-3 होगा, इधर 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। देन थर्ड आपका देखो, राइट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस रेप्लिकेशन एंड लिस्ट द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन का है, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा इसको। देन नेक्स्ट है आपका है, मेंशन द डिफरेंस इन द सिंथेसिस बेस्ड ऑन द पोलरिटी ऑफ टू टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, ठीक है। सिंथेसिस होता है तो यहाँ पे बताना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों कैसे होंगे, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये आपका है डीएनए, इसमें ये क्या है आपका 5', ये है 3', ये है 3', ये है 5', ठीक है। तो ये दोनों वर्क करेंगे ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो है, बोथ आर एक्ट एज ए टेम्पलेट, ठीक है। जब रेप्लिकेशन होने लगेगा तो ये 5-3 ओल्ड होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, ये कैसा होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा जिसको आप ओल्ड बोल सकते हैं, और ये आपका दूसरा पेरेंटल होगा जो 3-5 होगा, ठीक है। ये ओनली कब पॉसिबल होगा, रेप्लिकेशन के टाइम पे ऐसा, ठीक है ना। बट जब आप ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे 3-5 क्या होता है, टेम्पलेट होता है, 3-5 स्ट्रैंड, बट यहाँ पर रेप्लिकेशन में बोथ एक्ट एज ए टेम्पलेट, ठीक है। देन इसके बाद से जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा वो कैसे सिंथेसाइज होगा, इस डायरेक्शन में 5-3 डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पे भी 5-3 डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है, ये आपका पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये आपके मोस्टली क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो क्वेश्चन में तो नहीं है, बट अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मिसेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ई कोलाई सेल के लिए है, ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया है, ठीक है। किसने किया है, मिसेलसन स्टॉल ने किया है, 1958 में किया है, और इसमें N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया गया है, और इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज किया गया है, ठीक है। जब आप सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स कि यू कैरियोट्स के अकॉर्डिंग जब डिस्कस करेंगे, तो यू कैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो किसने प्रूफ किया है, टेलर एंड कलिक ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यू कैरियोटिक सेल्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन टेलर एंड कलिक ने किया है, इन 1958 में किया है, ठीक है। और किस ऑर्गेनिज्म में किया है, वीसिया फेबा, जिसको बोलते हैं फेबा बीन्स, ठीक है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लांट्स है एक्चुअली में ये। इसमें टेलर और इनके कलिक ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो प्रूव किया है, ठीक है। और इसमें जो सब्सटेंस यूज़ किया गया है वो सब्सटेंस कौन सा है, रेडियो एक्टिव थाइमेडिन, इस
यूकैरियोटिक सेल्स के में जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसको प्रूव करने के लिए रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज़ किया गया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइन था जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया तो नहीं, बट उनका जो थ्योरी है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर होगा वो द मसनरी एंड द एंजाइम्स पे होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।